और इस बीच जो बयान आया है वो भी आपको बता दें, कहा गया कि अगर हरियाणा की जनता और हाई कमांड चाहेगी तो सीएम दफ्तर में जरूर दिखाई दूंगा। बड़ी जानकारी, बीजेपी नेता अनिल विज का ये बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनिल जी, जो चुनाव आयोग के आंकड़े आ रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग के आंकड़े हमें आगे दिखा रहे हैं और ईश्वर चाहेगा तो हम आगे ही रहेंगे। सर, सबसे अहम सवाल जो आपने चुनाव से पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री पद को लेकर आपने दावेदारी की, आपने दो दिन पहले कहा कि मुख्यमंत्री आवास में मिलेंगे, तो क्या अब वो स्थिति बन रही है? मुख्यमंत्री देखिए, आप अपना प्रीफिक्स हटा देते हो। मैंने कहा था अगर हाई कमांड चाहेगा तो मुख्यमंत्री आवास पर मिलेंगे। वो जो कह दिया वो कह दिया, वो मैं अब भी कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से पूरा चुनाव मुद्दा कांग्रेस ने लड़ा, कहा कि किसान और जवान और जो पहलवानों का मुद्दा था वो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं है, लेकिन अभी रिजल्ट कम से कम अभी इस वक्त आपके फेवर में आ रहे हैं, वो मुद्दा चला नहीं क्या? देखिए ऐसा है, कांग्रेस झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ये हमेशा इन्होंने झूठ बोला है, झूठ बताया लोगों को, झूठी बातें करते हैं। वो कहांगे 8500 रुपए खटाखट 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 कहांगे, अब वो 8500 खत्म हो गए, अब जलेबियां फटाफट 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 फटाफट, ये तो झूठ की दुकान है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है, कहा कि सीएम पद के नाम का आला कमान नाम तय करेगा। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही थी, हरियाणा में इस तरह की तस्वीरें आ रही थी, गुटबाजी की बात सामने आ रही थी, और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान। भूपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं जो अभी जो नतीजे आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? अभी जो नतीजे आ रहे दो, राम उसी सरकार बनने जा रही है, सरकार बन रही है लेकिन बीजेपी लीड कर रही है। नहीं नहीं, तो उसी राउंड में आते जाते हैं, अब तो बहुत सारे 12 बजे तक कंफर्म हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार 1 बजे करीब तक बता दीजिएगा। तो देखिए, हरियाणा में भले रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। और आपने सुना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिनका कहना है कि नहीं, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और इसके चलते आप देखिए, कांग्रेस में कई सीट्स पर जो जीत दर्ज हुई है वहां पर तो जश्न का माहौल है ही, लेकिन सुबह से ही कांग्रेस के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, जब ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके थे। हालांकि अंबाला की भी तस्वीर आप देखिए, जहां पर बीजेपी जश्न मना रही है। नहीं आ रहा, इतना स्लो क्यों है? टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था, पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूं कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। अराउंड 50 प्लस है मैम बीजेपी का और 34 अराउंड कांग्रेस चल रही है। बहुत क्लोज है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, मतलब 300, 400, 500 इतना ही चल रहा है। खासकर आपकी मैम अगर एरियाज की देखें तो वहां पर यू नो प्राइमरी फेस कांग्रेस काफी अच्छा कर रही है। दोनों हमारे जो मेरी पुरानी पार्लियामेंट्री है और वर्तमान में पार्लियामेंट्री है, और उसके अलावा भी जो लगता एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है बिल्कुल। और कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि लोकसभा इलेक्शन में तो इतना स्लो काउंटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अभी जब हरियाणा में काउंटिंग हो रही है तो बहुत स्लो हो रही है। इसके पहले आपने पवन खेड़ा को भी सुना था, उनका भी ये कहना था कि बहुत कुछ बदलाव आ नहीं सकते, एग्जिट पोल में जो रुझान आए थे वैसे ही कुछ परिणाम भी आने चाहिए, लेकिन एक शक भी उन्होंने जाहिर किया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को भी आपने सुना था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को लेकर प्रश्न खड़ा किया था। और इस तरीके से हालांकि बीजेपी जब से रुझानों में आगे आना शुरू हुई है उसके बाद से ललित लगातार देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं।